ही बताऊँ आपको, मैं मेरे भैया को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अभी, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है कि मैं इधर होती हूँ और भैया वहाँ पे इंडिया में होते हैं। गाइस, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, भैया और बहन का जो प्यार होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। मुझे लगता है कि वो दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को मारा मारी भी करते हैं, पर बहुत ज़्यादा प्यारा रिश्ता है ये। और इसके बारे में और क्या ही बताऊँ, आज पता नहीं गाइस क्यों मूड ही नहीं आता है। सो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एंड पहले तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कल रक्षाबंधन है और मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट फेस्टिवल है। बताऊँ आपको, मैं मेरे भैया को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अभी, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है कि मैं इधर होती हूँ और भैया वहाँ पे इंडिया में होते हैं। रक्षाबंधन के मौके पे तो बिल्कुल नहीं मिल पाती हूँ। सो गाइस, मेरी शादी को भी 5 साल होने को है और 5 सालों में मैंने एक ही बार भैया के साथ राखी एंजॉय किया है, क्योंकि मैं हमेशा इधर होती हूँ। मैं दिवाली पे ही घर पे जाती हूँ, बाकी मैं नहीं जाती हूँ, बाकी मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मौका ही नहीं मिलता। और रक्षाबंधन पे तो एक बार गई थी, तो उस टाइम कोरोना था और पता चला कि पास वाले घर में मैं मायके गई थी, तो पास वाले घर पे कोरोना हुआ है, तो मैं फटाफट से वहाँ से भाग गई थी। तो मतलब मैं राखी के टाइम पे तो कभी नहीं होती हूँ भैया के साथ। अभी आपको ऐसा लग रहा है घर में बहुत ज़्यादा शांति है, क्योंकि आरू और उसके दादाजी, उसके चाचू और उसके पापा ये सब बाहर गए हैं, उनको कुछ काम था। तो मैंने सोचा मैं घर पे रहती हूँ, आप सब लोगों के साथ बातें भी हो जाएगी और मैं मेरी फीलिंग भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी कि अभी मुझे कैसा लग रहा है। तो गाइस, यहाँ पे है ना, मैं बात करते करते ही चुप हो गई थी। A few moments later. सो यस, फिर है ना, रात को कुछ भी मूड नहीं हो रहा था, कुछ ऐसे लग रहा था कि ऐसे बस बैठ ही रहो। फिर हस्बैंड ने बोला नहीं, मैं आपको घुमाने लेके जाता हूँ, तो ये लास्ट एग्जिट है, बहुत सुंदर जगह है। अगर आप यहाँ पे दुबई में हैं और अबू धाबी और दुबई के बीच में ये वाला लास्ट एग्जिट करके है, पेट्रोल पम्प जैसा उन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो वहाँ पर हम लोग गए, थोड़ी देर बैठे, आइसक्रीम खाया और फिर आरू के साथ घूमते घूमते है ना, मेरा भी टाइम थोड़ा सा निकल गया। तो ये करीबन रात के 8:30-9 बजे का टाइम था, क्योंकि खाना पानी हो गया था ना, फिर सोचे कि चलो चलते हैं। तो जो ये जगह है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी है बैठने के लिए। जो आप लोग शांति से बैठना चाहो ना यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। सो यहाँ पे है ना, वीकेंड में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आज नहीं था, वीकेंड नहीं है ना इसलिए, पर हस्बैंड ने बोला नहीं चलना ही पड़ेगा क्योंकि मूड अच्छा नहीं था। पता नहीं, वो मुझे बहुत ही समझते हैं, क्या बताऊँ आपको। वो मैं ऐसे उदास होती हूँ ना, तो वो समझ जाते हैं कि इसका मूड नहीं है, और मैं ऐसे चुपचाप बैठ जाती हूँ ना, तो वो भी समझ जाते क्या ही बताऊँ आपको। तो आरू ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पे क्या होता है कि जो दुबई से अबू धाबी आने वाले लोग हैं, तो उनको बीच में होल्ड मिल जाता है, और जो अबू धाबी से जो दुबई आते हैं, तो उनको बीच में होल्ड के लिए ये अच्छी जगह है, जहाँ पे खाना पीना सब मिलता है, पिज़्ज़ा वगैरह और आइसक्रीम। जो ठंडी, अभी गर्मी बहुत है तो ठंडा भी हो जाता है, और बच्चों के लिए भी प्लेस है कि यहाँ पे वो खेल सकते हैं, और बच्चे खेलते रहते हैं तो पेरेंट्स यहाँ पे बैठते हैं। पर जो वेजिटेरियन लोग हैं ना, उनके लिए बहुत ही कम ऑप्शन है कि हम कुछ खा पाए। मिल तो जाता है, पर कुछ कम कम ऑप्शन में हमें खाना पड़ता है, मतलब उसमें चलाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठे, फिर सोचा कि चलो अब घर के लिए चलते हैं। तो रात के 10:30 बजे हम लोग घर के लिए निकले, तो 11:30-11:30 बजे तक हम लोग घर पे पहुँचे। और घर पे आके भी आरू ने बहुत ज़्यादा मस्ती की, हमने भी बहुत ज़्यादा मस्ती की। मेरा तो मूड बन ही गया, क्योंकि मुझे हंसाने वाले हैं ना, दादा है, चाचा है और आरू के पापा है, तो मुझे तो हंसा ही लेते हैं ये लोग कुछ भी करके। तो बस यही था मेरा आज का दिन। The next day. So yes, ये तो है आज का शूटिंग। तो ये आज राखी है, तो मैंने ना सभी वीडियो को पेंडिंग में करके ये शूट कंप्लीट कर दिया था। और देखो, यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, पर
करना तो पड़ेगा, है ना। और मैं अभी जाती ना तो फिर वैकेशन में नहीं जा पाती और बार बार जाना पॉसिबल नहीं होता है। आशा करते हैं सभी की रक्षाबंधन बहुत अच्छी जाए और आप भाई बहन का प्यार ऐसे ही बना रहे। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।